आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं TVS विक्टर का। ये एक ऐसी बाइक TVS ने लॉन्च कर दी है जो मुझे लगता है कि हीरो और होंडा के अच्छे अच्छे गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। और उसका रीज़न है इसका लुक, इसका हेडलाइट जो सेगमेंट सबसे ब्राइट है, पायलट लैंप्स, LED DRLs, तो हर एंगल से किसी भी और बाइक में नहीं है। इसका हेडलाइट का डिज़ाइन, इसका ये गोल्डन ब्लैक का कॉम्बिनेशन कलर, बहुत अच्छी बाइक है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स है फ्रंट पे, इसके 200 mm का डिस्क ब्रेक है, इसको आपको मिलेगा डबल पिस्टन के साथ। इंजन की बात करें तो इसमें 110 cc का एक पावरफुल इंजन दिया गया है जिसमें आपको 3 वॉल्व का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी है और गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इसका मोनो पीछे का सॉकर भी बहुत अच्छा है, डबल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है जो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें 5 वे एडजस्टेबल की सुविधा भी दी गई है। पीछे के भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स है और प्रीमियम एडिशन में आपको क्रोम फिनिश मिलेगा जो अदर नॉर्मल एडिशन में आपको नहीं मिलता है। कलर सीट का सीट में बहुत कंफर्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। रियर में आपको LED बैकलाइट तो नहीं बट बल्ब बैकलाइट मिलेगा। इंडिकेटर्स सॉफ्ट नहीं है, हार्ड बहुत अच्छी है, आप खरीद सकते हैं लेना चाहें तो। इसका साउंड भी बहुत अच्छा है गाड़ी का, ये पुराने TVS विक्टर से बिल्कुल अलग है। किसी भी ऐसे एंगल में आप जाओ जब आपको ये गाड़ी TVS विक्टर की याद नहीं दिलाएगी। इको थ्रट टेक्नोलॉजी मीन्स आपको माइलेज दमदार मिलने वाली है इस गाड़ी में। मैं एक बार आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। इसका फ्यूल टैंक 8 लीटर का है, इसमें कंपनी ब्लेम करके आपको फुल टैंक नहीं भराना है नोजल तक, आपको हाफ टैंक भराना है, मतलब आपको 6.5 लीटर इस गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं आप, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया गाड़ी में। 10 लीटर की कम से कम टंकी कैपेसिटी, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी होनी चाहिए थी गाड़ी में, जो एक ख़राबी मुझे लगी। ठीक है, गियर बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, बट हाँ सम टाइम आपको इरिटेट कर सकते हैं जब आप भीड़ में चला रहे हो तो आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, जब स्लो स्पीड में हो तो आपको फिर से गियर चेंज करना होगा हाई स्पीड जाने के लिए, तो गियर की एक इशू है। और फुट पैड्स की बात करूँ तो वो देख लीजिए आप, जो पीछे बैठेगा उसके लिए फुट पैड बहुत ही आगे हैं, यही एक ख़राबी जो मुझे दिखती है गाड़ी में। अब देख लीजिए सीट कितनी लंबी है, या फुट पैड्स आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, बट थोड़ा सा आगे जाऊँ हम, अब जाके आपको फुट पैड्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठने वाला इंसान को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बाकी बात हर गाड़ी में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराइयाँ होती हैं, इसमें भी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी के लुक और माइलेज को लेते हुए मुझे बहुत पसंद आई। तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को बनाकर देता रहूँ। आपका स्वागत है इंडियन कार एंड बाइक्स में, प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे लाइक एंड शेयर किया है। आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाता रहूँगा। आई नो TVS विक्टर का रिव्यू बनाने में मैंने बहुत टाइम कर लगा दिया, बट नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।